हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी हिंदी की क्लास है। हिंदी में हमारा जो टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है सरनाम। स्टार्ट करते हैं सरनाम। सरनाम का हिंदी विच्छेद क्या है? सर, सर का मतलब सबका, नाम का मतलब नाम, सबका नाम। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह है, वह है, मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की इसकी परिभाषा है जो पुरुषों यानी कि पुरुष या स्त्री के नाम बदले, नाम के बदले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। यानी कि उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसमें फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कही जाए, जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, इनकी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा मध्यम पुरुष, इसमें जैसे कि तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, सेकंड पर्सन के बारे में बताया जाए। तीसरा अन्य पुरुष, जिसमें थर्ड पर्सन के बारे में बताया जाए, यह है, वह है, ये, वे, उनको, उनसे, इन्हें, इससे, उसको, इसमें तीसरे पर्सन के बारे में बात बताई जाती है या अन्य पुरुष के बारे में। नेक्स्ट आया हमारा दूसरा टॉपिक पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसकी पहचान है यह, वह, ये, वे। ये किसकी पहचान है? पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसमें बताया गया कि वह वस्तु या व्यक्ति के निश्चित होने का बोध कराता है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह इस बात क्या करती है? यह मेरी पुस्तक है, निश्चित होगी। तो नेक्स्ट आया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का, यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वह क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे पहचान है इसकी कोई कुछ। पहचान क्या है इसकी? कोई कुछ। उसने कुछ नहीं लिया। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध व्यक्त किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो। जो सो क्या है इसकी पहचान? यानी कि जो आया है सो जाएगा, या जो करेगा सो भरेगा। यह था हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, वह सर्वनाम जिसमें यानी कि शम के बारे में बताया गया हो या शम के बारे में बात की गई हो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसकी पहचान है मैं, मैंने, यानी कि शम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका सेंटेंस है हमारा, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। क्या क्या? अपना कार्य पूरा कर लिया। कितने? मैंने। तो नेक्स्ट है हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। तो इसमें पहले ही क्या वर्ड आ रहा है? पर्सन वाला। तो इसकी परिभाषा है वह सर्वनाम जिसमें कोई पर्सन पूछा गया हो या कोई पर्सन कहा गया हो वह क्या कहलाता है? पर्सनवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसकी पहचान क्या है हमारे पास? क्या, किसको, किसने, कैसे, कब। तो इस तरह के जो पर्सनवाचक वर्ड है वो क्या है? इसकी पहचान है। तो हमारा सेंटेंस है वह क्या कर रहा है या आप कैसे है। तो इस तरह के वर्ड जो यूज हो रहे हैं कौन से? पर्सनवाचक वर्ड। तो वह क्या हो गए? पर्सनवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी सर्वनाम की पूरी का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरी वीडियो। और दोस्तों, आपको और आपके परिवार को सक्सेस अकेडमी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।